मंगलवार को गंगा दशहरा, गायत्री जयंती एवं परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी के महाप्रयाण दिवस पर सुबह 8 बजे से गायत्री शक्तिपीठ दानूपुर बड़ा लालपुर के प्रांगण में नवकुंडी गायत्री महायज्ञ का आयोजन हुआ। आचार्य पद पर जिला समन्वयक पंडित गंगाधर उपाध्याय एवं ओम नारायण भारद्वाज ने गायत्री विधि विधान द्वारा वैदिक मंत्रोच्चार के बीच नवकुंडीय गायत्री महायज्ञ संपन्न कराया। इसी कड़ी में 17 लोगों को दीक्षा संस्कार एवं 3 बच्चों का विद्यारंभ संस्कार से संस्कारित किया गया। सांध्यकालीन सत्र में नमोघाट खिड़किया घाट पर श्री हटीले हनुमान जी के मंदिर के प्रांगण के सामने गंगा तट पर गंगा दशहरा के पावन अवसर पर 10 अलग अलग जाति समाज के पुरुषों एवं 10 अलग अलग जाति समाज की महिलाओं ने मिलकर एक साथ एक मंच एक कर्मकांड पद्धति से एक साथ खड़े होकर माता गंगा का पूजन कर गंगा रक्षा का एवं सेवा का संकल्प लिया। उपस्थित लोगों ने कहा कि यह ठीक है कि हमारा जन्म अलग अलग जाति समाज में हुआ है, लेकिन गंगा हम सबकी माता हैं और हम सब इनके पुत्र पुत्री हैं। जाति भेदभाव को हटाकर सभी को इनकी सेवा करनी होगी। अंत में दुग्धाभिषेक, दीपदान, दीप महायज्ञ के साथ गंगा की भव्य आरती उतारी गई। कार्यक्रम का संयोजन गायत्री परिवार रचनात्मक ट्रस्ट वाराणसी एवं श्री हटीले हनुमान जी सेवा समिति ने किया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से पंडित गंगाधर उपाध्याय, आचार्य वागीश दत्तमिश्र, डॉक्टर भगवान दास, राहुल सिंह, ओम कुमार बिंद, रजनीश कुमार मल्होत्रा, पप्पू लाल, हरिशंकर मौर्य, प्रदीप पाल आदि शामिल थे।